नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की धर्म से जुड़ी बड़ी खबरों से। रामेश्वरम मंदिर हिंदुओं के प्रमुख धार्मिक एवं पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित यह मंदिर चार धामों में से एक है। हिंदू धर्म के लोगों में यह मान्यता है कि चारों धाम बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, द्वारका और रामेश्वरम यात्रा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती। वहीं यहां आस्था की डुबकी लगाने का भी अपना अलग महत्व है। ऐसा माना जाता है कि यहां डुबकी लगाने से सारी बीमारियां और दुख दरिद्र दूर हो जाते हैं। दक्षिण भारत में बना यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर से लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी हुई है। हर साल करोड़ों की संख्या में भक्तजन रामेश्वरम के दर्शन करने आते हैं। यह मंदिर रामनाथ स्वामी मंदिर और रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी प्रसिद्ध है। वहीं आज हम आपको अपने इस आर्टिकल में रामेश्वरम मंदिर का इतिहास, निर्माण, मान्यताएं एवं इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण एवं रोचक तथ्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं इन तथ्यों के बारे में। रामेश्वरम मंदिर का इतिहास और इसकी स्थापना के बारे में कई प्रथाएं प्रचलित हैं। बंगाल की खाड़ी एवं अरब के सागर के संगम स्थल पर स्थित इस पवित्र धाम की स्थापना से भगवान राम की लंका वापसी से कथा जुड़ी हुई है। रामायण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के सातवें अवतार भगवान राम जब अपनी धर्म पत्नी सीता मैया को महातापी राक्षस का विनाश कर वापस लाए तो उन पर ब्राह्मण हत्या का पाप लगने की बात कही गई, जिसके बाद इस पाप से मुक्त होने के लिए उन्हें कुछ महाज्ञानी और संतों ने भगवान शिव की आराध्या करने के लिए सलाह दी। लेकिन द्वीप में कोई शिव मंदिर नहीं था, इसीलिए भगवान राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करने का निश्चय किया। इसके बाद उन्होंने पवनसुत हनुमान जी को शिव जी की मूर्ति लाने के लिए कैलाश पर्वत में भेजा। प्रभु राम की आज्ञा का पालन करते हुए हनुमान जी शिव प्रतिमा लेने चले गए, लेकिन उन्हें लौटने में देरी हो गई, जिसके बाद माता सीता ने समुद्र के किनारे पड़ी रेत से ही शिवलिंग का निर्माण किया और यही शिवलिंग बाद में रामनाथ के नाम से जानी गई। इसके बाद प्रभु राम ने रावण की हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस शिवलिंग की उपासना की और बाद में हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग को भी वहां स्थापित कर दिया। यह भगवान शंकर के प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिससे लाखों श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी हुई है। अब तक के लिए बस इतना ही। ऐसे ही धर्म से जुड़ी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बीएनएन न्यूज़।